तो सिद्धार्थ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी आप लोगों ने रिसेंटली निफ्ट सिचुएशन दिया है, तो मुझे इतना जानना था कि निफ्ट सिचुएशन में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा, बैड और गुड, व्हाटएवर जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस हमें चाहिए, ठीक है? तो एक एक चीज़ जो आपको लगता है कि अच्छी है, बढ़िया है, एक चीज़ जो आपको लगता है कि ख़राब भी नहीं होना चाहिए था, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इन जनरल जो आपने ड्रॉप किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम सेंटर के बाहर का एक्सपीरियंस, एनटी का एक्सपीरियंस, बिकॉज आपने दोनों चीज़ें फेस करी, तो दोनों के एक्सपीरियंस बताइए। सर, जो पिछले साल जैसे मैंने दिया था निफ्ट सिचुएशन टेस्ट, तो वो निफ्ट, मतलब निफ्ट ने खुद ने लिया था, सो मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा बेटर था। इस साल भी अच्छा हुआ, बट इस साल लाइक वो चेकिंग के 4-5 फेज, उसमें आप खड़े रहो, उसके बाद में आप निकलो, देवर मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि मेरे को एक डिवाइडर तक भी अंदर ले जाने नहीं दिया। एक साथ में स्टूडेंट था, उसकी गोल्ड की चेन थी, वो रखेगा कहाँ पे? उसने लॉकर में उधर डीपीएस के अंदर ही रखवाई थी, जहाँ पे हमारा सेंटर था। तो एक ये थोड़ा सा एनटीए का बहुत लाइक इतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि ज़रूरत थी। और एक गुड पॉइंट ये था कि सबको अपनी अपनी पर्सनल टेबल्स मिली थी, जैसे हम लोगों ने निफ्ट में दिया था, वहाँ पर एक लंबी टेबल थी, उस पर 3 लोग बैठे थे, तो हर कोई एक दूसरे का मॉडल देख के और कॉपी इजीली कर सकता था, बट उसमें पर्सनल टेबल थी, वैसे आगे पीछे देखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, और अगर आप ज़्यादा मूव भी करते तो टेबल हिल भी जाती बहुत ज़्यादा। टेबल का साइज़ ठीक था लाइक बनाने के हिसाब से ठीक था, अगर आप अच्छे से मैनेज करके चलोगे तो बना सकते हो। उन्होंने कटिंग मैट नहीं ले जाने दी, ये थोड़ा गलत था। मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि निफ्ट सिचुएशन एग्ज़ाम एक क्रिएटिव एग्ज़ाम है? हाँ, इसमें कटिंग मैट और ये सब ले जाने की परमिशन होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी होती है। इसके अलावा तो ये तो फ्लॉज है जो निफ्ट करवाता है, मेरे हिसाब से तो निफ्ट को ही करवाना चाहिए अगर एग्ज़ाम होना चाहिए तो। अच्छा, आपके सेंटर पर कितना क्राउड होगा, कितने बच्चे होंगे? आराम से 700-800 से ज़्यादा। तो आपको ऐसा लगा कि वो क्राउड की वजह से थोड़ा सा रश बढ़ गया या ऐसा कुछ? नहीं, मैनेज अच्छे से कर रहे थे वो लोग, उसमें नो डाउट है, बट बहुत ज़्यादा वो मैं वही एक चीज़ है कि इतनी ज़्यादा टाइटनेस से मैनेज कर रहे थे ना कि लाइक। तो क्या वो कॉपी इतनी अच्छी तरह चेक हो पाएगी, मतलब जो अपना सिचुएशन? नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर मान लो 700-800 आप बता रहे हैं, 700-800 क्राउड अगर वहाँ मौजूद है, तो क्या वो एग्जैक्टली वो चेक करने में उतना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। 700-800 मतलब नॉर्मली जब निफ्ट ने पिछले साल हमारा करा था और पहले से जैसे होता आ रहा है, तो 5 दिन तक होता था डेली 300 या 250 या 300 सीट्स जोधपुर के अंदर, अगर डेली है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 400 सीट्स, तो पहले दिन पे इतने ही होते थे और हर दिन अलग अलग होते थे, तो वो ज़्यादा बेटर रहता था। लाइक जो प्रोफेसर्स होते थे वो इजीली चेक कर सकते थे, थोड़ा टाइम देके अगर कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे इतने बच्चों के बीच में उतना टाइम वो दे पाएंगे। अब क्वेश्चंस क्या क्या आए थे आपके पास? क्वेश्चंस एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन आया था फीलिंग्स के ऊपर, उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो मेरा उतना अच्छा है नहीं सेक्शन। एक इंटीरियर का क्वेश्चन आया था, फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर का, इसके अंदर एक डॉक्टर के क्लिनिक का, एक पोएट के ऑफिस का, और एक और इंटीरियर था मेरे को, तो मैंने पोएट वाला बनाया था। क्या फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर? फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर, ओके। ऑफिस का तो ये वाला था, और वर्क प्लेस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, बट फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्डिंग पे स्टडी कर रहे थे लास्ट टाइम, और उससे पहले हमने इंटीरियर पे काम किया था, दोनों कंबाइन दे देंगे। हाँ, ठीक है, ये सब था। और जब हम लोग बनाने, और एक तो ये चीज़ रहती है, हमें लगता है कि 2 घंटे इनफ होता है, बट जब हम लोग बनाने बैठते हैं तब वो घड़ी इतनी तेज़ चलती है, लाइक मेरे को खाली बेस स्ट्रक्चर बनाने में और इतनी सी टेबल बनाने में आधा घंटा कंप्लीट हो गया था। मैं ऊपर देख रहा हूँ, मैंने यार ये तो कुछ भी नहीं बना है अभी तक, फिर मैंने जैसे तैसे फटाफट जो भी था लाइक मटेरियल को बहुत ज़्यादा। क्या क्वेश्चन टॉप किया था आपने? क्वेश्चन क्या लिया था? मैंने पोएट वाला लिया था, फ्यूचरिस्टिक वर्क प्लेस पोएट की। क्या खास बात होगी दोनों में? मैंने सबसे पहले तो जो भी जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी सब थे, वो थोड़ी मिनिमल रखी थी फ्यूचरिस्टिक पीओवी से, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दिखाया था जो एचपी शीट मिली थी उससे, ग्लासेस वगैरह दिखाए थे। उसके अलावा मैंने अपना खुद का एक बॉट बनाया था उसी ऑफिस के अंदर, उसका एक फेस भी लगा हुआ था जो कि पोएट के जो टेबल होगी उसके जस्ट ऊपर लगा हुआ था।
एक सुपर कंप्यूटर था, इसके अंदर चार अलग अलग सेक्शंस थे। एक तो जो बॉट का सेक्शन होता है वो, एक एआई सेक्शन होता है जो पोएट का खुद का होता है, और दो अलग सेक्शंस थे जो सिर्फ कॉन्फ्रेंसिंग के लिए थे होलोग्राम से। मतलब आपने एआई को कनेक्ट किया है उसके साथ? हाँ, एआई को कनेक्ट किया प्लस एआई को नेक्स्ट लेवल पे। आपको क्या लगता है कि अगर मान लो अगर फ्यूचरिस्टिक पोएट का वर्क प्लेस होगा तो कैसा होना चाहिए, मतलब क्या चीज़ें उसमें ऐड होंगी वर्क प्लेस? अगर फ्यूचर, अगर पोएट की बात है तो उसको उसका एनवायरनमेंट तो चाहिए होता है। तो लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आप होलोग्राम्स का यूज़ कर सकते हो। क्या डिजिटलाइजेशन के चक्कर में क्या चीज़ें होंगी अगर इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है? पोएट अभी नॉर्मल देखा जाए तो पहले कागज़ पे लिखा करते थे, अब वो लैपटॉप पे लिखा कर रहे हैं, तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे? मेरे हिसाब से तो पोएट का कंटेंट बेटर रहना चाहिए, अब भले वो कागज पे लिखे भले लैपटॉप में लिखे। कंटेंट कैसे क्रिएट होगा? क्या एआई कंटेंट खुद क्रिएट नहीं कर पाएगा? एआई कितना भी कंटेंट क्रिएट कर ले, एआई को भी ह्यूमन माइंड नहीं बनाया है, उससे तो आगे कैसे निकलेगा। हाँ, वो बल्क में ज़रूर कंटेंट क्रिएट कर सकता है कि एक साथ में बहुत सारे कर ले, लेकिन एक क्वालिटी कंटेंट होगा वो तो एक ह्यूमन ही दे पाएगा। नहीं, लेकिन इससे पहले अगर लोग सोच रहे थे कि जैसे अभी मशीनरी सिस्टम आ रही है तो मशीन परफेक्टली बहुत एक्यूरेट चीज़ें बनाती है, हाँ, और मैनुअली अगर वो इतना परफेक्ट नहीं हो सकता तो अभी देखा जाता है प्रोडक्शन तो मशीन डेवलप कर लेती है। हाँ नहीं, प्रोडक्शन सर वही है ना, पोएट को तो कंटेंट करना है, प्रोडक्शन के अंदर मशीनरी चाहिए, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि मशीन्स ह्यूमन से ज़्यादा प्रिसाइज वर्क कर सकती है, लेकिन थिंकिंग के मामले में मशीन एआई और उतना आगे अभी तक ना, तो अभी तक तो नहीं बढ़ा है। हो सकता है क्या? पॉसिबल तो है। आपने भी इंटीरियर में ऐसा क्या खास दिखाया जो दूसरा इंसान नहीं सोच कर सकता? खास मैंने मेजरली पोएट के एनवायरनमेंट पे ध्यान दिया था, लाइक अगर फ्यूचरिस्टिक है किसी का ऑफिस और अगर वो पोएट है, अगर वो कंटेंट राइटर है, तो उसको एक एनवायरनमेंट भी चाहिए होगा। तो मैंने क्या किया था कि जो वॉल्स थी और उस हर एक वॉल के ऊपर हमको कैंडल्स और उनके स्टैंड्स मिले थे, मैंने हर एक वॉल के ऊपर दो दो तीन तीन कैंडल लगाया, तीन इधर और बाकी सारी वॉल्स पे भी होगा। तो वो कैंडल्स का क्या काम था कि वो एक होलोग्रामिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जैसा भी उसको चाहिए। उसके अलावा फ्लावर्स बनाए थे मैंने गेटवे शीट से, वो लगाए थे, तो वो फ्लावर्स का क्या काम था, देवर हीटर्स एंड एसीज बोथ एट द सेम टाइम, रूम फ्रेशनर भी है और एयर प्योरीफायर भी है। ओके, तो आपको आपके सराउंडिंग के लाइक उसके हिसाब से जैसा भी आपको फ्रेगनेंस या जैसे भी चीज़ चाहिए ना, तो आप वो एक क्रिएट कर सकते हो ऑरा अपनी राइटिंग के लिए, ताकि आप अपने जोन में जाके अपना काम कर सको। फ्यूचरिस्टिक भी रहे एक तरफ, और जो एक बेसिक नीड होती है पोएट को वो भी, एनवायरनमेंट की जो नीड होती है वो भी रह सकती है। सर, राइटअप लिख पाए थे आप? हाँ। टाइम आपके लिए सफिशिएंट था या आपको लगा कि? टाइम सर सफिशिएंट तो कभी भी नहीं रहता है, आप कितना भी करके आओ वो कम ही लगता है। बट मटीरियल कैसे मिला? मटीरियल में एक माउंट शीट थी, एक और पतली सी कार्डबोर्ड जैसा शीट था, ओरिगामी पेपर्स मिले थे, चार्ट शीट हमें नहीं मिली थी। उसके अलावा गेटवे शीट थी, एक ओएचपी शीट थी, एक ओएचपी के साथ में जो पतला सा पेपर आता है वो था। उसके अलावा क्या था, क्ले था, जूट वाला रोप था, एक पतला वाला जो वायर आता है ना जिसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं, जो ऊपर से रबर कोटेड होता है वो वाला वायर था, नायलॉन वाला थ्रेड था और एक ब्लैक कलर का कॉटन थ्रेड था। उसके अलावा कैंडल्स थी, छोटी वाली बर्थडे कैंडल्स और उनके स्टैंड्स थे साथ में, और क्या था, हाँ ये सारी मटेरियल सफिशिएंट था, प्रोडक्ट मटेरियल तो हाँ मटेरियल सफिशिएंट था, एक लाइक इंटीरियर के हिसाब से तो था सफिशिएंट। आपकी प्रिपरेशन क्या सिचुएशन के हिसाब से रेडी था सर? मटेरियल हैंडलिंग मेरा, मेरे को लग रहा है मटेरियल हैंडलिंग ठीक था, बट वही है कि फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर के लिए रेडी नहीं थे, इंटीरियर के लिए रेडी थे बट वो फ्यूचरिस्टिक जैसे आया ना। कहाँ लैग हुआ, मतलब आपको लगा कहाँ लैग किया थोड़ा सा? एक्सप्लोरेशन देखना जरूरी, कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्सप्लोरेशन। अगर आप एक्सप्लोर करते तो मटेरियल को हैंडल कर सकते थे? मटेरियल हैंडलिंग मेरी सर, मटेरियल हैंडलिंग में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मेरे को प्रॉब्लम आई आइडिएशन और कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आई? कॉन्सेप्ट लगाने में दिक्कत आई, क्योंकि वो वाला थोड़ा सा नया चीज़ था, उसके लिए सोचना एंड उसमें टाइम लगता,
तो ज्यादा सोचने का टाइम था नहीं, मैंने 2 मिनट दिए सोचने में को क्या क्या चाहिए। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू तकरीबन कितना समय लेना चाहिए सिचुएशन की प्रिपरेशन के लिए? ढाई घंटे ले सकते नहीं, ड्यूरेशन सीखने के लिए, सीखने के लिए सीखने के लिए एटलीस्ट आपको 1-1.5 महीना तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, 1 महीना एटलीस्ट इतना टाइम होना चाहिए, इतना टाइम तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा होता है, लाइक अनयूजुअल, क्योंकि निफ्ट देता ही अनयूजुअल मटेरियल। और इस बार तो एनटीए ने लिया था तो और भी ज़्यादा, लाइक कैंडल्स आ गए, उसके अलावा वो वायर जो था वो कभी दिया ही नहीं आज तक, इस बार दिया। हाँ, तो निफ्ट देता है ऐसे 1-2 मटेरियल्स अनयूजुअल दे देता है। उसके अलावा मैंने एक हाँ मेरे को अभी याद है, मैंने एक और कॉन्सेप्ट लगाया था जो पोएट का टेबल था ना, वहाँ पे एक मेरे पास में वायर, जो वायर दिया था ना मेरे को लाइक मोटा वाला हार्ड वाला, उससे मैंने कॉइल करके और एक इतना सा स्ट्रक्चर बनाया था। तो उस मशीन का काम ये था कि पोएट्स के जो भी थॉट्स आते हैं ना वो सारे उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। वाओ, ये अच्छा था। ये आपने राइटर में मेंशन किया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्या अच्छा पॉइंट था। क्योंकि हमारा राइटअप जो ना उसमें एक स्पेशल अगर पॉइंट आपने ऐड किया वो राइटअप में भी कनेक्टेड है, प्रोटोटाइप में भी है, तो ये बहुत बड़ा बूस्ट हो रहा है। तो अच्छा, ये जो पूरा लिखा ना मैंने राइटअप वो बॉट के पीओवी से लिखा, ऐसा लगा लाइक बॉट बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है अपना खुद का जो सराउंडिंग। ओके, पर्सनली हमारे बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, अगर हमारा प्लस पॉइंट हो तो भी, नेगेटिव पॉइंट हो तो भी। लाइक नेगेटिव तो मेरे को लगा नहीं, प्लस पॉइंट में ये था कि आपने जो मटेरियल हैंडलिंग सिखाई थी वो मेरे को वहाँ पे बहुत काम आई। लाइक मेरा 1 घंटे में मेजर जो स्ट्रक्चर था वो सारा बन के रेडी था, और जब मैंने आसपास देखा तो किसी के भी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते वो रेडी नहीं थे। तो शायद मेरे को वहाँ पे जो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की, जो आपने मेरे को टेक्निक्स बताई थी कटिंग की, वो मेरे को वहाँ पे काफ़ी काम आई है। नहीं, कोई भी नेगेटिव पॉइंट आप बता सकते ताकि हम उसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, क्योंकि सर लाइक मटेरियल आप लोग बहुत ज़्यादा कम लेते हैं, 8 या 9 मटेरियल से, तो शायद 10-12-15 मटेरियल एक साथ में काम, हम मटेरियल ज़्यादा ले सकते हैं। हाँ, जैसे अगर मान लो हमने कोई प्रोटोटाइप बनाया तो हम मटेरियल हम लोग 5-6 लेते हैं, वहाँ पर ना 10-12 लेंगे तो फिर क्या वो। बट एक्चुअली हमारे लिए भी बहुत सरप्राइज था, ताकि निफ्ट एक्चुअली अब तक इतनी मटेरियल देता जितना हमने कराए थे, हमारे लिए भी बहुत सरप्राइज था कि इसने मटेरियल बहुत ज़्यादा दी थी, क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ था। हाँ, पिछले साल भी 18 मटेरियल था। हाँ, उसके पहले 8 ही आए। हाँ, पिछले साल 18 बहुत ज्यादा आया है, और बहुत ज्यादा बल्क में, क्वान्टिटी कम है और काउंट ज्यादा है, काउंट ज्यादा है, वेरायटी बहुत ज्यादा है। तो मे भी मेरे ख्याल से ये हो सकता है वेरायटी ऑफ मटेरियल देने का रीजन, ये हो सकता है इनका कि हो सकता है कि हम सभी मटेरियल को कहीं ना कहीं यूज करें, ये हो सकता है। ओवरऑल अगर आपने प्रोटोटाइप बनाया, राइटअप देखा, तो आपको क्या लगता है कैसा, कहीं मार्क्स कटने के चांसेस हैं क्या? सफाई रखी थी आपने? सफाई रखी थी, टेबल साफ की थी, क्लीनली जो कटिंग जो भी मेरे मॉडल का था वो क्लीनली किया था। मार्क्स में मटेरियल जो बचा आपने वो एनवेलप में लगाया? बिल्कुल रखा। ओके, मार्क्स कट तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट में थोड़े से हो सकते हैं, मेरे को अपना कॉन्सेप्ट ऐसे लाइक जितना मैंने सोचा था स्टार्ट करने से पहले, उसमें से मैंने अराउंड 75-80% ही अचीव किया। मैंने लास्ट का जो आधा घंटा था वो मैंने सिर्फ राइटअप लिखने के लिए और सफाई करने के लिए दिया था। ओके, इन फ्यूचर जो अगर बच्चे एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो आप स्पेशली सिचुएशन के लिए उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बी रेडी फॉर अ सरप्राइज। कोई कीनोट्स? कीनोट्स तो सर लाइक घड़ी के सामने फालतू में देखने का मतलब नहीं है, और अपना काम और जितना हो सकता है उतना सिंपल रखना। मैम ने मेरे को एक चीज़ बताई थी कि आप स्ट्रक्चर खड़ा करो, उसके बाद में जो आपके पास में जैसे मटेरियल्स बच जाए ना, आप उनको कैसे भी लगा दो और उनका कॉन्सेप्ट सोच लो लगाते टाइम पे, ठीक है? आपका अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया, वो मटेरियल दिखने में अच्छा लग रहा है, दैट्स फाइन। और कोई ऐसे छोटे मोटे पॉइंट जो हमें ध्यान नहीं जाता लेकिन हमारा ध्यान होना चाहिए, जैसे हॉल टिकट था, हॉल टिकट में जो चीज़ें मेंशन है और वो ले जाने के लिए हमें ऑब्जेक्शन खड़े हो गए, तो इसका क्या, इसके बारे में क्या चाहते हैं? हॉल टिकट में जैसे हॉल टिकट में उन्होंने बोला कि आपको ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ले जाने, स्केल ले जाने के लिए मना कर रहे थे वो। हाँ, कंपास ले जाने के लिए मना कर रहे थे, पेपर कटर के लिए मना करा उन्होंने, तो आप अगर कटिंग मैट के लिए मना कर रहे थे, तो ये आपको क्या लगता है कि मतलब ये नेक्स्ट टाइम एनटीए को अलाउ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्यों? एनटीए को नहीं आता है डिजाइनिंग के एंट्रेंसेस,
मतलब निफ्ट को एनटीए को बोलना चाहिए एग्जाम कराने के लिए कि निफ्ट को खुद ही कराना, निफ्ट को खुद ही करवाना चाहिए। अच्छा, और दूसरी चीज़, एनटीए ने एग्जाम कराया इस बार, तो क्या आपको लगता है कि निफ्ट उससे बेटर करा सकता है? बिल्कुल, और रिजल्ट भी? हाँ, दोनों चीज़। क्योंकि ऐसा ऐसा हमने सुना है कि जिन बच्चों का क्वालिफिकेशन हुआ है वो ये बोल रहे हैं कि एनटीए कराने से ऑनेस्टी बढ़ेगी, ईमानदारी बढ़ेगी, क्या ऐसा पॉसिबल है? सर, ऑनेस्टी का मैं तो मेरे को नहीं पता, बट कन्फ्यूजन ज़रूर बढ़ेगा। एक अगर कल को निफ्ट को बोला जाए कि आप नीट के एग्ज़ाम करवाओ तो वो 100% कोई ना कोई गलती करेंगे। एनटीए का काम, निफ्ट का जो काम है, निफ्ट को पता है उनको कैसे बच्चे चाहिए, डिज़ाइनर कैसे चाहिए, डिज़ाइनर्स उनको कैसे चाहिए, उनको स्टूडेंट्स कैसे चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो दो बच्चे उनको चाहिए उन्हीं को एग्ज़ाम करवाना चाहिए। एनटीए को नहीं पता है ना कि निफ्ट के अंदर कैसे बच्चे जाने चाहिए, उनको बस ये पता है जिसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे वो ज़्यादा कैपेबल है, ऐसा थोड़ी होता है। निफ्ट को पता है कौन ज़्यादा कैपेबल। एग्जैक्टली exactly. ज़रूरी नहीं है कि आपने परफेक्टली पूरा किया हो तो आप डिज़ाइनर ही हो, या आपका कंसेप्ट अच्छा था, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है किसी ने मिनिमलिस्टिक वर्क में अपना डिज़ाइन शो कर दिया हो और वो भी इनोवेटिव हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो एज रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन की जो डिमांड है, एनटीए शायद उसको देख के मार्क लेगा। तो हो सकता है मे बी कोई अच्छा इतना अच्छा कंसेप्ट नहीं सोच रहा हो, थिंकिंग नहीं कर रहा हूँ, मे बी हो सकता है वो सिर्फ बनाने में ध्यान दे रहा हो, उसने फूल पत्तियाँ बना दी, वो दिखने में अच्छा, उसका ज़्यादा मार्क्स चला गया। चलो एनीवे, एक मैसेज सभी पब्लिक के लिए, सभी डिज़ाइनर के लिए, एक मैसेज कोई भी बीइंग अ डिज़ाइनर, अगर हम कुछ थॉट दे सकें। बीइंग अ डिज़ाइनर, बी ऑनेस्ट टू योर वर्क। लाइक अगर आपका काम थोड़ा सा डल भी है तो उसको बेटर करो, ना कि उसके लिए आर्ग्यू करो कि मैंने इतना तो किया, वही बात है। थैंक यू।